बॉलीवुड में जब बात किसी एक्टर की होती है तो उनका काम होता है, लोगों की जुबान पर उनकी तारीफ होती है उनकी प्रोफेशनल रवैये की वजह से। सिल्वर स्क्रीन पर उनका जब जादू चलता है तो लोग बरसों बरसों तक उन्हें याद करते हैं। लेकिन सिल्वर स्क्रीन से पीछे प्लेबैक सिंगर्स का क्या, जो अपनी आवाज से किसी भी एक्टर को दमदार हीरो बना देते हैं। फिल्म मर्द में जिस अमिताभ बच्चन को आपने देखा होगा, उन्हें आप हमेशा ही मेगा स्टार, शहंशाह, बिग बी इस नाम से पुकारते हैं। लेकिन वही मेगा स्टार जब बॉलीवुड टाउन को रिप्रेजेंट करने के बावजूद यहाँ की किसी वेटेरियन सिंगर को भूल जाए तो कैसे ना दुख व्यक्त करें उनके चाहने वाले। हाल ही में बीते महीने की आखिरी वीक में 27 नवंबर की तारीख को वेटेरियन सिंगर मोहम्मद अजीज ने अपनी अंतिम सांसें ली। मुंबई के नानावती अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली। उम्मीद थी कि कम से कम उनके ना रहने पर, उनके जाने के बाद बॉलीवुड की तरफ से शोक भरी श्रद्धांजलि बॉलीवुड के बड़े कलाकार उन्हें जरूर अर्पित करेंगे। लेकिन अफसोस, वक्त गुजरता गया, दिन चले गए, लेकिन ना तो मेगा स्टार ने श्रद्धांजलि दी, ना ही इंडियन कलाकारों में बॉलीवुड के उस एक्टर ने श्रद्धांजलि दी जिनके लिए मोहम्मद अजीज ने ना जाने कितने हिट गाने बनाए। हम बात कर रहे हैं गोविंदा से लेकर अनिल कपूर की। बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन दा यानी कि मिथुन चक्रवर्ती की ना सिर्फ अमिताभ बल्कि इन एक्टरों ने भी चुप्पी साध कर इस बारे में जानकारी ना होने को लेकर, या यूं कह लीजिए कि अजीज के जाने के बाद सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त ना कर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर अपने फैंस को दुखी कर दिया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोगों की बातें कह रही हैं, उनकी नाराजगी कह रही है, उनका गुस्सा बोल रहा है, जो कि अपनी बातों को रखते हुए शिकायत कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री से, बॉलीवुड के चाहने वालों ने कि इस तरह से अमिताभ बच्चन से लेकर एक्टर्स पे बॉलीवुड इंडस्ट्री पर अपना गुस्सा निकाला है। आज हम आपको दिखाएंगे वो सच, आखिर क्यों कमेंट्स में अमिताभ बच्चन को लेकर भी नाराजगी सामने आ गई। अजीज के जाने के बाद ट्विटर पर भी अमिताभ बच्चन का पोस्ट 2 दिन तक सामने नहीं आना लोगों को किस तरह से दुख कर गया, किस तरह से लोगों को घर कर गया अमिताभ का श्रद्धांजलि ना देना। रीजंस जो भी हो, शायद जिस भी वजह से अमिताभ ये ना कर पाया, कमेंट्स में देखिए जरा फैंस ने कैसी बातें की हैं वेटेरियन सिंगर प्लेबैक सिंगर मोहम्मद अजीज के चाहने वालों का, किस तरह का गुस्सा सामने आया है, देखिए खास रिपोर्ट। आखिर कैसे अमिताभ बच्चन के उन कारनामों की वजह से मोहम्मद अजीज के करीबियों ने, उनके चाहने वालों ने गुस्सा निकाल दिया। आप सोच रहे होंगे तो आपको बता दें मोहम्मद अजीज के फैंस कैसे गुस्सा निकालते नजर आए अमिताभ बच्चन के सोशल मीडिया पर उस पोस्ट के ना होने पर जिसका इंतजार मोहम्मद अजीज के चाहने वालों को था। बॉलीवुड के सबसे बड़े मेगा स्टार अमिताभ, जिनकी एक बात फैंस को घर कर जाती है, वही अमिताभ जब शब्दों के जरिए मोहम्मद के जाने का गम में कोई संदेश भेजते नजर नहीं आए थे बीते कुछ दिनों पहले मोहम्मद के जाने के बाद, तो उनके चाहने वालों ने अपना गुस्सा खुलकर सामने लाया। नंदू शिंदे हैं वो जिन्होंने कहा, मर्द तांगे वाला जैसा सॉन्ग मुन्ना दा नहीं गाते तो अमिताभ बच्चन आज कहीं सचमुच तंगा चलाते या कूली का काम करते। ग्रेट सैल्यूट टू द लेजेंडरी सिंगर इन आवर डायनेमिक हैंडसम मैन मुन्ना दा। यहाँ मुन्ना दा मोहम्मद अजीज को कह रहे हैं नंदू शिंदे, जो कि मोहम्मद के बड़े फैन हैं। जी हाँ, मर्द फिल्म का वो टाइटल सॉन्ग अमिताभ बच्चन के लिए मुन्ना दा यानी कि मोहम्मद अजीज ने ही गाया था, जिसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं उनके चाहने वाले। वाकई में सम्मान के हकदार मोहम्मद अजीज थे। बता दें आपको आगे भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मोहम्मद के चाहने वालों ने नाराजगी जताते हुए अमिताभ बच्चन के लिए लिखी है। अफसोस भरी बातें, अफसोस जताते हुए उन्होंने अमिताभ बच्चन से ऐसी शिकायतें की हैं। सद्दाम मिद्दे, उन्होंने कहा महानायक महानायक,
अरे काहे का महानायक अमिताभ बच्चन मतलब ही है, ये कहना है उनका। वही बहलोच ने कहा, बिल्कुल 100% सच है ये। प्रमोद तिवारी ने कहा, सद्दाम मिते, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये महानायक महानायक नहीं है। यहाँ पर सफवान अली का भी गुस्सा निकला है, यानी कि लोगों को उम्मीदें थी कि महानायक अमिताभ बच्चन अपनी बातें रखकर कुछ शब्दों के जरिए अजीज को अंतिम विदा या यूं कह ली कि श्रद्धांजलि जरूर देंगे। आगे भागीरथी सेनापति ने लिखा, धन्य हो बॉलीवुड वालों, आज पता चल गया इन चमकते चेहरों के पीछे कैसे मतलबी लोग रहते हैं। जो बड़े बड़े हीरो कहलाते हैं, ये सिर्फ तुम्हारा मेहनत नहीं, ऐसे कलाकारों की मेहनत भी शामिल होती है तुमको बड़ा बनाने के पीछे। जिसने लगभग 2 दशक तक राज किया उसी को भूल गए, तुम्हारे भी दिन आएंगे याद रखना। और एक बात याद रखो, एक्टर कितना भी बड़ा हो लोग भूल जाएंगे, उनकी कमी बहुत कम महसूस होती है जो गाना गाते हैं। गायक कलाकार दिलों में राज करते हैं, जहन में राज करते हैं, और एक अचानक गायक कलाकार को भूलना नामुमकिन नहीं। लव यू मिस यू अजीज साहब, आप हमेशा याद रहोगे, यू आर माई गॉड राइट ब्रो, देवाशीष रॉय ने यह कहा है भागीरथी सेनापति के इस दुख भरे मैसेज में। इस शिकायत को देखने के बाद योगेश कुमार ने भी कहा, आई मिस यू मोहम्मद अजीज साहब। आपको बताना चाहेंगे हम, मोहम्मद अजीज के चाहने वालों ने दुख भरे मैसेज के साथ मोहम्मद अजीज को सिर्फ श्रद्धांजलि ही नहीं दी, बल्कि उन्हें याद करते हुए बॉलीवुड वालों से शिकायत भी की है, उन बॉलीवुड वालों से जिन्होंने एक शब्द भी ना कहकर मोहम्मद अजीज को श्रद्धांजलि अब तक अर्पित नहीं की। मनोज मांद्रेवाल ने आगे क्या कहा आपको सुनाते हैं। उन्होंने कहा, क्यों इस बुढ़ापे में भी अमिताभ बच्चन जी के पास टाइम नहीं, कमाल है 80 के आसपास पहुंचने वाले। मोहम्मद अजीज को लेकर अमिताभ बच्चन से जो उम्मीदें थी चाहने वालों को, ये सामने आ रही है। विकी सामरिया ने कहा, आज मैं कसम खा रहा हूँ अनिल कपूर, गोविंदा, अमिताभ बच्चन, जितने भी इस तरह के एक्टर हैं, मेरे दिल में इन लोगों के लिए जगह नहीं, लेकिन अफसोस सब ये लोग मेरी नजरों से गिर गए। ना फनकार तुझसा मेरे बाद आया, मोहम्मद अजीज तू बहुत याद आया, मेरे दिल को फिर आज तड़पा गया, वो मंजर मेरे सामने आ गया कि लोगों ने तेरा जनाजा उठा। आई मिस यू मोहम्मद अजीज, अल्लाह पल आपको जन्नत नसीब फरमाए। चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है, ये कहना है आदिल खान का। ये इमोशनल कमेंट मतलब समझ सकते हैं आप बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, जहां चमचमाते सितारों को ही सम्मान दिया जाता है। मोमिन सलीम ने कहा, श्रीदेवी के लिए पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री उमर पड़ी और पूरा महीना न्यूज चलती रही। विपुल भले ने कहा, मोमिन सलीम, आई लव मोहम्मद अजीज, श्रीदेवी बहुत शांत स्वभाव की औरत थी, अच्छी औरत थी, जैसे कि मोहम्मद अजीज साहब भी थे। मोहम्मद अजीज साहब को जन्नत हासिल हो, यही मैं दुआ करता हूँ। उनको और उनकी गायकी को मैं कभी नहीं भूल सकता, वो हमेशा अजर अमर रहेंगे। वाकई में ये खूबसूरत श्रद्धांजलि है अजीज के लिए। डॉक्टर मेहदी अली जैनुल ने कहा, इट्स अबाउट ऑल बॉलीवुड। देख सकते हैं आप कॉमेंट में किस तरह से लोगों का गुस्सा निकला है। बालाजी घोलकर ने कहा, मिथुन गोविंदा बच्चन के लिए कुछ ऐसे शब्द उन्हें धोखेबाज कहते हुए। नंदू शिंदे ने कहा, जो कहा था नंदू शिंदे ने कि मर्द फिल्म का गाना अमिताभ बच्चन के लिए गाया गया था। वाकई में ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि मोहम्मद अजीज के चाहने वालों की बॉलीवुड इंडस्ट्री में कभी कमी नहीं रही है। मोहम्मद अजीज के चाहने वाले हमेशा याद करेंगे, उन्हें हमेशा अमर रखेंगे। वेल, ये था आज का हमारा ये खास कार्यक्रम अजीज के चाहने वालों को लेकर। अजीज के चाहने वालों ने शोक व्यक्त करते हुए कैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री से अपनी नाराजगी जाहिर की है। अब ये सब कमेंट्स देखने के बाद अगर अमिताभ बच्चन को होगी ज्ञात कि नहीं रहे मोहम्मद अजीज, जिन्होंने मर्द तांगे वाले गाने के साथ उन्हें मर्द बनाया, क्या अमिताभ बच्चन श्रद्धांजलि देते फैंस की नाराजगी को दूर कर पाएंगे?
क्या अनिल कपूर से लेकर गोविंदा और मिथुन चक्रवर्ती को इस बात की जानकारी नहीं रही? क्या लगता है आपको इस तरह से बॉलीवुड की तरफ से शोक सामने नहीं आना, क्या हो सकता है इसके पीछे कारण? क्या वाकई में यहाँ बॉलीवुड इंडस्ट्री की चमकती दुनिया के पीछे यहाँ के अंधेरे में इसी तरह का कलाकारों का राज जो है ऐसे छुपा रहता है? क्या वाकई में कलाकारों की दुनिया इतनी ज्यादा व्यस्त होती है कि उन्हें अपने आस पास घटित होने वाले इस तरह की घटना का भी कोई जानकारी नहीं होता? सच में अफसोसजनक है ये उन कलाकारों के लिए जिन्होंने सालों तक बॉलीवुड में अपनी आवाज का जादू चलाया, लेकिन जाने के बाद कोई प्यार नहीं पाए, सम्मान नहीं पाए। खैर, वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का, हम यहीं पर आपसे लेते हैं विदा। लौटेंगे इसी तरह से बॉलीवुड की कड़वी सच्चाई के साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में बात करने के लिए। तब तक के लिए देखते रहें आप हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।